बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। आओ बताऊं तुमको मैं इनसे आसतानों की ये बातें कैसे बताते, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। अस्सलाम वालेकुम मुसा, परेशान लग रहे हो? वालेकुम सलाम जी, दुनिया दे लाता दे मारे, फिर आपकी और पौधे की बातों के मारे परेशान ही होना है ना। मैंने उस दिन आपने मुझे बताया कि जी 1,75,00,000,000 रुपए बिलावल भुट्टो साहब ने दोनों पे लगाए। मैं अभी पौधे के पास से आ रहा हूँ, वो तो कहता है जी के उन्होंने जेब से खर्चा किया सारा। अच्छा, जेब से खर्चा किया 1,75,00,000,000 रुपए उन्होंने जेब से खर्चे कर लिए हैं। हाँ, किसने कहा ये बोले को? वो आपने बाजी नहीं देखी है, वो साह मूवी के कैरेक्टर वाली एक बाजी है, शहरी रमान नाम है उनका। और पाकिस्तान में की तारीख में पहली दफा खारजा वजीर जो हैं उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट भी दिया है, और आप बेशक इसको वेरीफाई करा लें, चेक करा लें। वो अपने एक्सपेंसेस पे करते हैं फॉरेन ट्रिप के लिए जब भी। हाँ डिटेल में। अच्छा जी, सही है भाई। नहीं भैया, टाइम की शक्ल लता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है जी। अच्छा तो ठीक है, ये पीछे क्या खड़ा हुआ है? जहाज खड़ाया हुआ है और पानी की बोतल। कौन सा जहाज है ये? बैरी हवाई जहाज है बाजी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। हवाई जहाज है, बैरी जहाज है, हवाई जहाज है, लेकिन कौन सा हवाई जहाज है वो भी तो देखो। इस पे लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स। हाँ जी, ये पाकिस्तान फिजाइया का जहाज है। ये सोचिए आप, ये जहाज इतना महंगा पेट्रोल है जी। एक जहाज पूरा जिसमें ये अपनी डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं, उसमें कितना पेट्रोल, कितना खर्चा हो रहा है? क्यों, अगर ये अपनी जेब से ही खर्चा कर रहे हैं, चलो मान भी लिया होटल का खर्चा कर रहे हैं ये, तो ये जहाज का टिकट खरीद के क्यों नहीं जाते? ले बिजनेस क्लास का, फर्स्ट क्लास का टिकट और जाए, अपनी जेब से लेके जाए। इसमें तो कौम का पैसा खर्च हो रहा है ना, पूरा जहाज भर के जो ले जा रहे हैं। किधर है इनके, इनकी कोई कोई दिखाइए, इनकी कोई मनी ट्रेल दिखाइए, कोई टैक्स रिटर्न दिखाए तो हमें पता चले किस तरह के पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से। कल पे तुम्हारी समन बाजी बड़ी पते दी है कि अगर ये अपनी जेब से खर्च कर रहे होते ये तो रसीदें भी दिखा देते फौरन, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक दौर है, ईमेल शीमेल पे रसीद आ जाती है। और मुझे तो लगता है ये इन्होंने इस जहाज पे बैठ के ना आवाम कोई जहाज बना दिया और भोले जैसे जहाज बेचारे जो हैं वो उसके साथ लग गए। लेकिन पीपल्स पार्टी में मैंने जो देखा है ना, शुरू से ही बड़ी आवाम की हमदर्द पार्टी रही है और अवामी पार्टी रही है। और अभी बल्कि वो बिलावल साहब ने बयान भी दिया है, वो स्टूडियो वाले भाई वो भी दिखाना जरा कि किस तरह वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो आवाम की खिदमत के लिए ही है। अच्छा हाँ, देखो भाई, जब शुरू में पीपल्स पार्टी बनी थी ना, जब वो भुट्टो साहब जिंदा थे, है ना, तो जब से तो ये उस वक्त तो यही सोशलिज्म का रोटी कपड़ा मकान का नारा ही लगाते थे, जब से लेके अब तक कितने नजरियाती जो पीपल्स पार्टी के सियासतदान थे वो तो छोड़ गए है जी। और फिर उसके अलावा जरा अवाम की जिसका जो हक है ना, वो स्टूडियो आपको दिखाती है अभी। हाँ जी, स्टूडियो जरा दिखाइए, अवाम अवाम का हक, ये अवामी पार्टी की अवाम की हालत है। ये देखिए आप, सबसे ज्यादा मुतासर जो सूबा इस दफा के सैलाबों में हुआ है ना पाकिस्तान का, वो सूबा सिंध है, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा गुर्बत वहां पे है। ये देखिए, बल्कि यूनाइटेड नेशंस, ये हम नहीं कह रहे, यूनाइटेड नेशन कहता है कि गुर्बत जो है ना सिंध में वो कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जो फ्रॉड किया है उन्होंने, यहाँ तक के जो रिलीफ का काम था, जो इमदादी काम थे, उसमें भी इरेगुलरिटीज हैं और उसमें भी जो है वो दो नंबर काम हुआ हुआ है सारा। पता है आपको ये वाली बात, यहां तक के सोचिए आप, जरा सोचिए कि इतनी बुरी जो इमदाद आई है ना सारी, जो सोच देखिए, दिखाइए जरा उस इमदाद का क्या हुआ। ये देखिए, जफर इलाही साहब ने कहा है कि तुर्की पे जो गए अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब, और जो तुर्की ने मना कर दिया था कि आयो मती, वो फिर भी पहुंच गए और वापस से बड़े तोहफे लेके गए हैं इमदाद के।
गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तोहफा, वो जो डब्बे खुले हैं ना, तो वो जो तुर्की ने सामान भेजा था ना सैलाब जदगान के लिए, वो ही दोबारा पैक करके उनको वापस भेज दिया। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो बंदा चवल है, लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी सारी बातें, पर मैं, मुझे नहीं लगता ये जफर हिलाली साहब कोई बड़ी को पक्की बात कर रहे हैं, ऐसा किधर होता है जी। अच्छा तो जफर हिलाली अकेले नहीं कह रहे हैं, जरा बयान सुनाइएगा, जरा डॉक्टर शाहिद मसूद का भी सुना दे स्टूडियो। और तुर्की से एक अजीबोगरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाई सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। देखिए आपके पास मकसद, अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना, ये वहां के, ये वहां के, बट देखिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। आप सोचें एक इमरान खान साहब थे हुकूमत में, हैं, सर उठा के चलते थे हम पूरी दुनिया में, जिस दिन से आए पूरी दुनिया में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी हमारी तो हो गई है। ये ऐसे क्यों करता है? मैं तो कहता मुझे, मैनू एक बाल्टी ले आ दियो, उसे एना एक पानी पा दियो, मैं उससे खुदकुशी कर लूंगा। यार ये कौन सा तरीका है कि जो उन्होंने भेजा, तुमने तो मुझ ही कटा के रख दिया यार, तुम लोगों ने, हम इंसानों की कैसी बातें करते हो। अभी तो ये देखो कि जो तो वहां भेज दिया उनका, और जो दूसरा सामान आया था उसके साथ क्या हुआ है वो भी जरा दिखाएं स्टूडियो। स्टूडियो ये देखिए, जो नहीं वापस किया है, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह ने जो सारे डब्बे पैकेट ना बिस्किटों के सारे चीजों के जो भेजे थे पैक करके के अवाम में बांटने के लिए, वो लड़काना, ये जो भुट्टो का जरदारी का अपना इलाका है ना लड़काना, वहां दुकानों में बिक रहा था। ये तो पुलिस का केस है ना जी, तो पुलिस ने पकड़ा होगा उन लोगों को जिन लोगों ने ये काम चोरी की होगी। यही तो कह रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा, किसको पकड़ा, जो बेच रहे थे उनको नहीं, जो रिपोर्टें करा रहे थे उनको। फिर ये तो पुलिस तो ना हुई, ये अवाम की खिदमत तो ना हुई, ये तो सीधा सीधा वो जो हम सुनते आए हैं बड़ों से कि सिंध में जो बडेरा सिस्टम चलता है, ये तो कोई उसकी कहानी लगती है, हमें तो ये बेवकूफ ही बनाए जा रहे हैं। ऐसा वैसा बेवकूफ, जरा बिलावल साहब की अपने हालात तो देखिए, ये देखिए जो ये अवाम की खिदमत करने जा रहे हैं, ये $3,500 के ये जूते पहन के बैठे हुए, जूते पैर में $3,500 के, ये सोचिए जरा इनके अवाम की हालत देखी है ना आपने। समन बाजी ये पता कराएं ये बंदा जुमा किधर पड़ता है, मैं इसके पीछे जुमा पढ़ने जाऊंगा और मैं ये जूती चुक के ले आऊंगा, ताकि और कोई नहीं तो मैं कोई ये जूती बेच के $3,500 का मतलब है पाकिस्तानी को बन गया $7,500-8,00,000 रुपया, वो पता नहीं कितने गरीबों का उसमें तो घर बन जाता है। बिल्कुल, बल्कि और देखिए मैं तो आपको और बता देती हूँ कि आपने और का क्या क्या करना है। ये देखिए, अगर तो ये जुम्मा पढ़ने चले जाएं तो ये वाले जूते भी देख लीजिए आप, ये तकरीबन $2,000 के जूते पहने हुए, और ये आप ये देखिए, ये बच्चे जो है ना, ये जो अवामी पार्टी है जिनको अवाम का हक देना है, बच्चों के पैरों में चप्पल तक नहीं है, और ये भाई साहब जो है ये तकरीबन $2,000 के जूते पहन के बैठे हुए। तो बनता तो वैसे ये है कि ये $2,000 के जूते ये हमारे सर पे और पोने जैसे लोगों के सरों पे मारे, जिनकी वजह से ये $2,000 के जूते पहनते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो मर जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जी एक फिर भी एक हमदर्द जमात है, अभी इन्होंने फिर ऐलान किया है कि ये सिंध की अवाम को कोई पैसे देने जा रहे हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं। हाँ हमदर्द है, पैसे देने जा रहे हैं, ये आपने कितनी सही बात बताई है। देखिए जी, पहले तो पीडीएम ने दो दो पूरे 2,000 देने की बात की थी, अब ये सैलाब जदगान को सिंध में 2 के बजाय 1,000 भेज रहे हैं। हैं तो मतलब महंगाई जा रही है ऊपर, तो इमदाद जा रही है नीचे, ये हैं ये इनके हालात। ओ 1,000 रुपए में पसमानदा इलाकों की खवातीन तक इंतकाल, 1,000 रुपए में कौन सा इनकलाब आता है, 1,000 रुपए में 2 गोल्डी की पूरी डबियानी आती है,
1,000 रुपए में 4 लीटर पेट्रोल नहीं आता, कौन सा इनकलाब ला रहे हैं ये। तो वैसे तो सिगरेटें भी महंगी हो गई है ना, उसमें भी टैक्स आ गया है, तो मतलब बच्चा आए ना सिगरेट तो वैसे ही कोई नहीं ये है। तो 1,000 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता, 1,000 रुपए तो बच्चे को दो तो बच्चा वापस कर देता है, शर्म कर तू रख ला। चलो जी कोशिश करते हैं इस हफ्ते फिर जाएं को पौधे से जाके उसको मथा मारें, उसको समझाएं कि झूठ बोले तो वाकाटे।